हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि एक बहुत ही एक स्पेशली दिन बताया जा रहा है। भाई ने शॉर्ट दिया और उन्होंने बोला है कि आज शादी हुई थी एक राधे कृष्णा जी की। बाकी आगे एक मिनट्स में आप भी ज़रूर भाई बताइएगा, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। यदि तुम राधा 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 ऐसा रट रहे हो तो इस नाम के प्रताप को जानने वाले श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट कर देंगे और आगे के लिखेंगे नहीं। अनुलिख्या अनंतान अपि तदप राधान मत। फिर महाप्रेम से युक्त होकर विचार करते हैं किसने राधा नाम लिया है, क्या दे। तो ये माईक वस्तु में राधा नाम के बराबर थोड़ी हो सकती है। तो आविष्ट होकर के उसको प्रेम प्रदान करते हैं, उसके पीछे पीछे डोलते हैं, बोले लाडली ये तो आपके नाम की महिमा हुई, और कहीं किसी ने आपके चरणों का शरणागत भाव लेकर आपकी सेवा की भावना, दासत्व की भावना कर ली तो उसको क्या देंगे। ये तो केवल नाम की महिमा, राधा नाम की महिमा। दूध दे रहे थे और जहाँ मैंने कृष्ण के मुख पर अकस्मात दूध दे दी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं श्री कृष्ण दूध दे रहे हैं। नंदी जी है राधा ने उबलता हुआ अत्याधिक गर्म दूध दिया तो यहाँ मेरे श्री कृष्ण के पग में नारायण। इस दुनिया में जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, चाहे वो मिस वर्ल्ड हो, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो, अलग अलग फिल्मों में काम करने वाली नायिकाएं हो, आप सोचिए इन सब की सुंदरता जो है वो कामदेव से आती है, और कामदेव अपना सिर्फ एक अंश जो है इन लड़कियों को देते हैं, जैसे सागर की एक बूंद बस। अब आप अंदाजा लगाइए कामदेव जो है स्वयं कितने सुंदर होंगे, और जब यही कामदेव कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण की सुंदरता को देख कर बेहोश हो जाते हैं। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मतलब कामदेव, ऐसे कामदेव को मोहित कर देने वाला मदन मोहन। अब आप सोचिए जब ये कृष्ण जो है राधा को देखते हैं तो राधा की सुंदरता को देख के वो खुद बेहोश हो जाते हैं कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इसलिए हमारी राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। आप सोचिए राधा मदन मोहन श्रीमती राधा रानी की जाय। हरे कृष्ण। प्रेम तो ये है, शेर सुनो और दांत दो किसका आया नहीं, कृष्ण के पांव में पड़े छाले। कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। आपको ऐसे दर्शन करने को भी मिल जाएंगे।
माना जाता है इसी वृक्ष को साक्षी रखकर ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण जी का विवाह कराया था, और ये आप इस वृक्ष को देखकर समझ सकते हो ये किस विचित्र तरीके से आपस में मिल रहे हैं। वेल, इस वृक्ष की लेफ्ट साइड कंपैरेटिवली थोड़ी सी फेयर है, वो राधा रानी को रिप्रेजेंट करती है, राइट साइड थोड़ी सी डार्कर जो श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। और इस विशालकाय से वृक्ष का वर्णन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिल जाएगा कि ये कितना बड़ा वृक्ष हुआ करता था, जो कि सच में बहुत बड़ा है। फिर माना जाता है ये श्री कृष्ण का सेहरा है जो माँ यशोदा ने सहराया था, और इसमें आपको उनकी एक छवि दिखती है और सभी को अलग अलग दिखती है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर आपको इस जगह के बारे में नहीं पता तो और मैंने कुछ नया बताया तो मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं, सेव करें ताकि आप भूल ना जाए इस जगह के बारे में। क्या शॉट है, और कृष्ण का अस्तित्व तो प्रेम से ही पूर्ण है, इसलिए यदि भक्ति रस भागवतम में निहित होगा तो प्रेम भक्ति रस ऋषि गर्ग के ग्रंथ में समाहित होगा। गर्ग संहिता दुनिया एक सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं, वो समझते हैं कि राधा एक औरत थी, कृष्ण एक पुरुष था, दोनों में प्रेम हुआ, कृष्ण ने धोखा दिया और धोखा देके चला। ये इससे ज्यादा लोग कृष्ण और राधा के प्रेम को नहीं जानते, बल्कि हमारा वृंदावन की पद्धति कहती है कि राधा कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, राधा कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि एक ही शेप वो ले सकता, वो हजारों शेप ले सकता। सही बात। तो जब उस ईश्वर को लगा कि प्रेम की कोई एक आकृति होनी चाहिए, प्रेम का कोई शेप होना चाहिए जिससे लोग उदाहरण दे सके कि ये प्रेम है, तो उसी ईश्वर ने राधा का रूप धारण कर लिया। राधा कोई फीमेल बॉडी नहीं है, कोई एक गोपी नहीं, कोई एक औरत नहीं, वो प्रेम का एक आकार है। और यही कारण है कि जब भी प्रेम की बात आती है तो कृष्ण और राधा की बात भगवान कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, अरे सत्य है सत्य है सत्य है। और दूसरी पंक्ति सत्यम एव पुनः पुनः, अरे पुनः पुनः बारंबार यही मैं कहता हूं कि ये सत्य है सत्य है। भगवान क्या सत्य है बताइए जरा। सही बात। बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते, बिना राधा रानी के कृपा कोई जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, असंभव। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, आपके जवाब जी उनकी 16108 पत्नियां हैं, भगवान ने 11 किसी के साथ नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ 16108 पत्नियों को 16108 रूपों में 16108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान जैसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट, आप बिल्कुल So, राधा कृष्ण जो है वो साधन पहले तो लड़का लड़की नहीं है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं और राधा जी कौन है, आदि शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा वो कह बटर पीस एंड ब्रह्मा जी राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है, हालांकि इनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सोचो मैं 11 को आई कैन जस्टिफाई कोटिंग राधा एंड कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण तो 11 में नहीं रहेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, एक महीना रहेंगे, छह महीना रहेंगे, उसका तू अपने रस्ते में अपने रस्ते कैसा हुआ, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वही भाई, वाकई यार एक क्योंकि आज एक काफी एक खास दिन है,
अगर देखा जाए कि एक राधा जी कृष्णा जी का एक जो विवाह हुआ था, क्योंकि एक सबसे बढ़कर कंट्रोवर्सी यही होती है कि ये एक विवाह नहीं हुआ था। जितना मेरे भी अंदर यही सवाल अभी मैं पूछ सवाल यही कि सब बोलते हैं, क्योंकि एक पक्ष जो एक समझा जाए ना पक्ष वाली बात, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, जो हमने जो देखा है या सुना है वीडियोस में या एक लोगों से, वो यही बोलते हैं कि ये एक विवाह नहीं हुआ था। और एक बहुत कम उम्र में हमने देखा था स्टार से कृष्णा जी वहाँ से चले गए थे एक वहाँ पर, क्योंकि जाकर उन्होंने मामा श्री कंस का जो एक वध किया था और उससे आगे उन्होंने एक लाइफ अपनी स्टार्ट की थी अपने माता पिता के साथ, ऐसे हमें बताया जाता है। लेकिन अब एक इधर आ जाए शार्ट्स पर, या एक जो एक आज का जो दिन है, जो एक सर ने एक बीच में एक शार्ट आया था वो बता भी रहे थे, ब्रह्मा जी ने यहाँ एक राधा कृष्णा जी का जो है ना एक विवाह करवाया था, यहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। लेकिन इसमें क्या सच है या क्या चीज़ें हैं, ये आप भाई ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। हम भी काफ़ी देर से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक मन में क्वेश्चन होता है, आप भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो ज़रूर बताइए। नहीं, जो सबसे एक बड़ी बात है ना कि एक राधा कृष्णा जी के अंदर मतलब कि प्रेम कितना था, बहुत प्रेम, ये चीज़ सबसे एक बढ़कर है। वो तो एक जो मतलब के पीछे चीज़ें हुई या उनको एकदम से छोड़ना पड़ा हर चीज़ को, वो सबसे एक बेस्ट बात थी कि उनके अंदर एक प्रेम कितना था, वो एक अपने आप को महसूस कितना करते थे, चाहे वो एक मीलों दूर बैठे होते थे, तो ये होता है मतलब के प्रेम। लेकिन आगे भाई वाकई एक विवाह की या एक मैरिज की एक कंट्रोवर्सी है, अब हमें भी नहीं कन्फर्म क्योंकि हमने कहीं नहीं देखा, हम वीडियो के रिलेटेड ही हमने चीज़ें सुनी है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये कि दूसरी तरफ शार्ट में उन्होंने बहुत हद तक चीज़ें कवर करने भी कोशिश की है, कवर तो नहीं, एक रियलिटी है कि वो एक उनका एक आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सी बना नहीं सकते, क्योंकि वो एक 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 ज़रूरत के मुताबिक आप कह लें या वहाँ के उस एक मुनासबत के लिहाज से वहाँ पर वो आए और जो चीज़ें वहाँ पर करने वाली थी उन्होंने की, उसके बाद वहाँ से निकल के आगे, क्योंकि उनके कई रूप थे, आप देख लो कि उनकी जिस तरह वो बता रहे थे कि 16,000 प्लस उनकी एक बीवियाँ थी, या आप एक कोई भी एक लफ्ज दे लें, लेकिन उन सब को उन्होंने मैनेज किया हुआ था, ठीक है, अलग अलग रूप में, अलग अलग महलों में, तो इसी तरह उनका भी सीन था, उनको भी उन्होंने एक एक जो ना वो एक तरीके से जिस तरह उन्होंने रखा था, शायद वो एक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप देखो ना जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन अब आप अगर एक उस साइड के ऊपर जाना चाहें तो उधर आप निकलते जाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप दिल को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं या एक रियलिटी के ऊपर सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो फिर तो आपके पास हज़ारों पॉइंट ऐसे हैं। अब बाकी भी जिस तरह वो बता रही थी कि उनके बगैर तो भाई आप एक कोई चीज़ मुमकिन भी नहीं है, राधा एक राधा के बगैर कृष्ण जो है ना, आप जिस तरह गुरु जी स्टार में बता रहे थे उनका नाम लेना भी, या ये इतनी एक देखो ना एक इम्पोर्टेंट है, हाँ ये चीज़ें होती हैं इसमें। बिल्कुल, अब एक शॉर्ट्स पर आ जाएं तो शॉर्ट भी आज के एक नहीं, काफी वो भाई ने वो जो थे। मंडप दिखाया भाई वो भी फिर है ही ना, है अभी वो अभी भी है, वो देख रहे हैं अभी, एक देखना के साथ ने जो बताया एक एक कृष्णा जी की खूबसूरती के बारे में, वो कामदेव जी हैं ना उनसे आगे ये खूबसूरती आती है अभी, कि आपकी जो एक महिलाएं हैं या स्त्री हैं उनकी खूबसूरती देख लें उनसे आती है, लेकिन जब वो आगे कृष्णा जी की खूबसूरती देखते थे ना वो वहाँ पर ये बेहोश हो जाते थे, इतने ज़्यादा खूबसूरती थी उनकी। ये एक अच्छा शॉट था, तो उम्मीद करते हैं आपको शॉट पसंद आएंगे, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।